एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज मैंने कार्डबोर्ड को यूज करके सुंदर सा वॉलपेपर बनाने वाली हूँ। आई होप आपको आज का DIY आइडिया अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने एक राउंड कार्डबोर्ड पीस को बीच में ऐसे कट कर ली हूँ, तो हमें दो सेमी सर्कल्स मिल जाएंगे। इन दोनों पीसेस को हम आपस में मास्किंग टेप की हेल्प से चिपका देंगे। मेरे पास थिक कार्डबोर्ड नहीं था, इसीलिए मैंने दो पीसेस को आपस में स्टिक कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई थिक कार्डबोर्ड ले सकते हो। टोटल इस तरह के हमें चार पीसेस लेना है। यह है वॉल पुट्टी पेस्ट, ये आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप या पेंट शॉप में मिल जाएगा। इसके बदले आप चाहे तो वॉल पुट्टी पाउडर को पानी में मिलाकर यूज कर सकते हैं। इसको मैं सारे कार्डबोर्ड के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ये ड्राई हो जाए हमें लेना है सैंड पेपर, और जो भी रफ सरफेस है हम उसे सैंड पेपर से घिस के स्मूथ कर लेंगे। ऐसे ही हम चारों पीसेस को रेडी कर लेंगे। अब इसको कलर करना स्टार्ट करेंगे। इसकी कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल सी डिजाइन चूज की है। मैंने रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट कलर से कुछ पैचेस बना लिए हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी डिजाइन बना सकते हो। तो मैं बताने वाली थी कि ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो है। मैं तो कब से सोच रही थी कि मैं वॉइस डाल के वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि कभी कभी आप कमेंट करते हो कि ये चीज़ क्या है जो वीडियो में यूज़ किया हुआ है, ये ग्लू कौन सा है, और भी कई चीज़ें। हमेशा रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं इसलिए सोच रही थी कि मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बनाऊँ। लेकिन मेरे से ये प्रॉब्लम होती थी, मैं ठीक से बोल नहीं पाती थी। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, आपसे क्या शर्माना, अब तो फैमिली हो ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, बुरा नहीं मानोगे अगर मैं कुछ भी गलत सलत बोल दूँगी। तो अब चले, तो इसके ऊपर ऐसे पैटर्न बनाने के बाद मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर से लीफ ड्रॉ कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से हम हमारे चारों पीसेस को रेडी कर लिया है। ये है कुछ क्ले के बीड्स। जब भी मैं क्ले का कुछ वर्क करती हूँ, कुछ क्ले फंस जाती है, तो मैं इसे इस तरीके से बीड्स बना लेती हूँ। मैंने बीड्स को वाइट एक्रेलिक कलर करके कुछ स्मॉल डॉट्स बना लिया है। अब इन सभी चीज़ों को असेंबल करेंगे। मैं ऐसे धागे में बीड्स डाल के इसको हैंग करूँगी। इसको चिपकाने के लिए मैं मास्किंग टेप की यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हो। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत भारी है, मास्किंग टेप से अच्छे से हैंग नहीं हो पाएगा। मेरे पास अभी कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू नहीं है, इसलिए मैं मास्किंग टेप की हेल्प से चिपका रही हूँ। ऐसे ही मैंने सारे पीसेस को आपस में जोड़ ली हूँ, और इसे हैंग करने के लिए मैंने एक धागा को फेविकॉल की हेल्प से चिपका रही हूँ। अब रेडी हो गया है हमारा सुपर स्टाइलिश, अमेजिंग और ब्यूटीफुल सा दिखने वाला वॉल हैंगिंग आर्ट। आप इसे अपनी बालकनी डेकोर के लिए यूज कर सकते हो, नहीं तो अपने रूम में इसे हैंग कर सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला है। लेट्स गो फॉर सेकेंड DIY। मुझे कार्डबोर्ड की कुछ सर्कुलर पीसेस चाहिए थी। मैंने एक कैप ली हूँ मार्क करने के लिए। अगर आप चाहे तो राउंडर के साथ भी इसको मार्क कर सकते हो। मैंने इसको सीजर से कट कर ली।
एक्चुअली मुझे 16 पीसेस चाहिए था। अब इसका जो साइड एजेस है इसको कवर करने के लिए मैं ये वाला धागा यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप इसके जगह पेपर भी यूज कर सकते हो। मैं क्राफ्ट ग्लू से इसको स्टिक कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी ग्लू का यूज कर सकते हो। एक्चुअली में जो कार्डबोर्ड सरफेस होता है उसका साइड एजेस थोड़ा ओपन अप होता है, जिसके साथ कलर्स लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए कार्डबोर्ड की साइड एजेस को कवर करना जरूरी है। बेस कोट के लिए मैंने वाइट एक्रेलिक कलर यूज करूँगी, क्योंकि जो वाइट कलर होता है उसके ऊपर सारे कलर्स अच्छे दिखते हैं। अब टाइम है आपकी फेवरेट कलर यूज करने की। मैंने यहाँ ज़्यादातर डार्क शेड यूज की हूँ। अगर आप चाहे तो किसी भी शेड का यूज कर सकते हो। तो मैं इस तरह सारे के सारे जो मेरे कार्डबोर्ड सरफेस थे उसको मैं कवर कर लिया डिफरेंट कलर्स के साथ। ये कुछ मिरर्स है जिसको मैं इसके सेंटर में स्टिक करूँगी, और साइड पोर्शन में मैंने गोल्ड एक्रेलिक कलर से डॉट्स बना रही हूँ। डॉट्स बनाने के लिए मैंने पेंट ब्रश की बैक साइड यूज़ की हूँ। आप चाहे तो कोई भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी गोल्ड एक्रेलिक कलर से मैं मिरर का अराउंड आउटलाइन कर रही हूँ। आप चाहे तो 3D आउटलाइनर भी यूज़ कर सकते हो। अब हमारे सारे पीसेस बनके रेडी है। कार्डबोर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए बैक की तरफ घुमा लीजिए और उसके पीछे में आप आइसक्रीम स्टिक को चिपका लीजिए। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स ना हो तो फिर आप कार्डबोर्ड को स्ट्रिप के हिसाब से काट के यूज कर सकते हो। मुझे 4 सिमिलर पैटर्न्स चाहिए था, इसीलिए मैंने 4-4 कार्डबोर्ड को एक एक रो बना दी। इसको आपस में जोड़ने के लिए कटे हुए जो आइसक्रीम स्टिक्स था उसको मैं यूज कर ली। इस हिसाब से ये एक डायमंड शेप ले लिया और थोड़े डेकोरेशंस के लिए मैं वूल से टेसल्स बनाऊंगी। मैं वूल को कार्डबोर्ड के ऊपर लपेट रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी चीज का यूज कर सकते हो। एक धागा लेके इसके बीच में इसे डाल के नॉट टाई कर लेना है, फिर इसे निकाल के कट कर लेना है। इसके ऊपर भी अच्छे से नॉट टाई कर लेना है ताकि टेसल्स हमारा खुले ना। इसे 3 टेसल्स चाहिए। मैंने टेसल्स में व्हाइट मोती डाल के उसको मास्किंग टेप से चिपका लूंगी, और इसे हैंग करने के लिए एक थ्रेड को मास्किंग टेप की हेल्प से चिपका लूंगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।